नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल स्माइल विद शताब्दी। आज मैं हूँ कोलकाता एयरपोर्ट में और मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कोलकाता एयरपोर्ट का लॉन्च। जी हाँ, इस व्लॉग में आपके साथ पूरा फुल ऑन डिटेल्स इन्फॉर्मेशन दूंगी कि कोलकाता एयरपोर्ट लॉन्च का क्या सिस्टम है, खाना कैसा है वहाँ पे, एम्बियंस कैसा है, सारा कुछ डिटेल्स इसी व्लॉग में शेयर करूंगी। तो बिना बकबक किए चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मैं थी कोलकाता एयरपोर्ट में और कोलकाता एयरपोर्ट का एक नज़ारा आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे कोलकाता एयरपोर्ट एक ऐसा एयरपोर्ट है जहाँ आपको अगर रूफ अगर आप देखो या सीलिंग आप जो भी कहते हो वो अगर आप देखो, उसमें स्क्रिप्ट अल्फाबेटिकल राइटिंग सिस्टम जो है वो वाला पूरा देखे डिज़ाइन किया हुआ है। और मैंने थोड़ा सा एक एक व्यू लिया है जहाँ पे हाई ब्रांडेड शोरूम थे और बहुत ही पॉश एक एम्बियंस है कोलकाता एयरपोर्ट के अंदर। तो अभी हम चलेंगे लाउंज के तरफ। तो स्ट्रेट अगर आप देखो तो वहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, द फूड टर्मिनल। एस्केलेटर होके आपको ऊपर जाए, सो जस्ट एस्केलेटर से चढ़ते ही आपको राइट साइड टर्न लेना पड़ेगा और राइट साइड टर्न लेते ही बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं ना, वही है कोलकाता का लॉन्च। तो चलिए चलते हैं और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कोलकाता का लॉन्च का एक फुल ऑन डिटेल्स इसी व्लॉग में। सो ये है ट्रेवल क्लब लॉन्च जो कि कोलकाता एयरपोर्ट का लॉन्च है। यहाँ पे अगर आपका फ्लाइट डिले है या आप जल्दी एयरपोर्ट पहुँच चुके हो या फिर आपको बहुत ज़ोर की भूख लगी है तो आप आराम से लॉन्च में जाके आप एंटायर उन लोग का मेनू ट्राई कर सकते हो जो कि चार्जेबल होता है। और आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड है और अगर डेबिट कार्ड भी है लेकिन वो प्लेटिनम होना पड़ेगा, तो क्रेडिट कार्ड में या फिर बिजनेस क्लास में ऐसा बहुत सारे फैसिलिटीज़ होते हैं जो क्वार्टरली 3x फ्री होता है। तो हमारे पास जो क्रेडिट कार्ड है उसका 3x हमने लिया था, उसका लुफ्त उठाया था और फ्री मील हमने एंजॉय किया था। बस यही है कि उन लोगों के पास आपका क्रेडिट कार्ड को शो करना पड़ेगा जहाँ पे आपका आपको एक्सेस मिल रहा है, तो वो शो करके आपका टिकट भी उन लोगों को दिखाना पड़ेगा। आपको एक छोटा सा चिट दिया जाएगा जो आप शो करेंगे जब आप लॉन्च के अंदर घुसेंगे तो, और फिर आपका एक्सेस जो है वो फ्री है। आप एंटायर मेनू उन लोगों का ट्राई कर सकते हैं और इसका लुफ्त आराम से आप उठा सकते हैं। पहले तो घुसते ही मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कुछ भी ना सोच के आप पहले अपना सीट जो है वो ढूंढिए। लकीली हमें अपना सीट मिल गया था क्योंकि एक दो सीट खाली थे, लेकिन जनरली ऐसा खाली नहीं रहता है। तो पहला चीज़ आपको ये करना होता है लॉन्ज में घुस के अपना सीट देखना। खाने की वैरायटी बहुत सारे थे, इवेंचुअली वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन का अलग अलग सेक्शन था। आप देख ही पा रहे हैं, ये है जो इंग्लिश हम कहते हैं इंग्लिश लंच प्लेटर। उसके बाद सूप था, यहाँ पे था पास्ता मसाला जो मैंने भी ट्राई किया था, बहुत यमी था। ये जो सेक्शन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये टोटली वेजिटेरियन सेक्शन है। यहाँ पे देखिए वेज बिरयानी रीफिल हो रहा है, जब भी ख़त्म हो जाता है कुछ चीज़ तो फटाफट उन लोग रीफिल कर देते हैं बिल्कुल हॉट हॉट। ये है पाव भाजी, यहाँ पे थे छोले, फिर रायता तो कॉमन ही था, वो रायता हर चीज़ में रायता था। और उस तरफ आप देख रहे हो ये है पोटैटो फ्राई, जी हाँ। और अभी मैं चले जाऊंगी नॉनवेज सेक्शन में। नॉनवेज में था चिकन बिरयानी, उसके साथ यहाँ पे रायता आप देख रहे हो, उसके बाद था चिकन स्ट्यू। चिकन स्ट्यू बहुत ही
बहुत ही यमी था, मैंने थोड़ा सा ट्राई किया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल हॉट एंड स्पाइसी था। यहाँ पे चिकन पकोड़ा भी इन लोग प्रोवाइड कर रहे थे, इस तरफ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉसेस थे, फिर ये पोटैटो फ्राई मैंने आपके साथ शेयर किया ही है, इस तरफ सारे सेक्शन के बाद मैं अभी आपके साथ शेयर करने, ये देखिए ये है पाव भाजी, छोले, दही, फिर इस तरफ आपका कॉफ़ी, टी या कोल्ड ड्रिंक्स, आप कुछ भी लेना चाहो आप यहाँ से एंजॉय कर सकते हो। बेवरेज का भंडार था वहाँ पे, और इस तरफ था डिज़र्ट सेक्शन। डिज़र्ट सेक्शन में जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहा था और उन लोग रिफ़िल किए जा रहे थे। तो जिस टाइम पे मैंने ये क्लिपिंग्स ली उस टाइम पे जो फ्रूट्स है वो ख़त्म हो गया था, तो उन लोग रिफ़िल करने के लिए अपने किचन की तरफ गए। खीर था यहाँ पे, एप्पल्स थे, फिर केक्स का दो अलग अलग फ्लेवर था, सीरियल्स था, आप दूध के साथ वो सीरियल्स भी ले सकते हो। नज़ारे कुछ ऐसे हैं, मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। इस तरफ है किचन इन लोगों का लॉन्च का, और लॉन्च का एक एंटायर व्यू कोलकाता लॉन्च का आपके साथ मैं यहाँ पे इस व्लॉग में शेयर कर रही हूँ। मुझे खाना बहुत औसम लगा, कुछ यूनिक लगा, क्योंकि उन लोग बारी बारी जो भी ख़त्म हो रहा था वो रिफ़िल कर रहे थे, और अलग अलग खाना भी आ रहा था। मैंने कुछ लिया यहाँ पे, आप देख ही पा रहे हो, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी थी तो मैंने लिया बिरयानी, चिकन, और यहाँ पे सलाद, पास्ता, दही और कुछ फ्रूट्स। तो ये था मेरा लंच प्लेटर। मैंने साथ में कुछ जूसेस भी लिए थे, और डिज़र्ट तो मैंने लिया था लेकिन वो मैं शूट करना भूल गई, तो इसीलिए वो मैं नहीं दिखा रही हूँ। यही दिखाते हुए आज का व्लॉग यहीं पे मैं एंड करती हूँ। होप कि आपको पसंद आया हो, अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल बटन के साथ। मिलूंगी मैं फिर आपसे, बाय बाय एंड टेक।